आर्थिक मंदी के बीच भारत को विश्व बैंक से एक बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने अब भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट घटाकर 6% कर दी है। दरअसल 2018-19 में भारत की ग्रोथ रेट 6.9% रही थी। हालांकि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के लेटेस्ट एडिशन में विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि साल 2021 तक भारत ग्रोथ रेट को 6.9% फिर से रिकवर कर सकता है। विश्व बैंक ने कहा कि लगातार दूसरे साल भारत की आर्थिक विकास दर की रफ्तार गिरी है। 2017-18 में यह 7.2% थी, जो कि 2018-19 में घटकर 6.8% हो गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ने से इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ बढ़कर 6.9% हो गया है, बल्कि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट 2.9% से और 7.5% तक रही है। वहीं IMF की बात करी जाए तो IMF चीफ क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा ने आर्थिक सुस्ती को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, जिसके कारण 90% देशों की विकास दर रफ्तार से धीमी हो गई है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जून में ख़त्म हुई है और तिमाही में GDP विकास दर 5% तक आ गई है। यह मार्च 2013 के बाद से न्यूनतम है। उस समय GDP वृद्धि 4.7 पहुंची थी। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इसको लेकर क्या काम करती है, किस तरीके से हमारा GDP आगे बढ़ाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।